बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ेब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूवर्स को विज़िट करवाने जा रहे हैं एक सेटअप पे। व्यूवर्स, आज हम एक औरंगी टाउन के एक ऐसे सेटअप पे आए हैं जहाँ पे एक लड़के ने अपनी छत के ऊपर मिनी ज़ू बनाने की कोशिश करी है, जिसमें हमें हंस देखने को मिलेंगे, कैट देखने को मिलेगी, रैबिट देखने को मिलेंगे, टॉर्टोइज़ देखने को मिलेंगे, डक्स देखने को मिलेंगे, और हेडचॉक भी है यहाँ पर, और स्नैक की भी वैरायटी है, साथ साथ यहाँ पर फ़िशेज़ भी हैं। तो ये एक मिनी ज़ू की तरह इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, आप व्यूवर्स को दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र डालते हैं, देख सकते हैं आप लोग व्यूवर्स के यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ, जिसके अंदर यहाँ पे हमें कुछ एक्वेरियम्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर फिशेस मौजूद हैं। साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर वुडन के केजेस हैं जिसके अंदर हेड चॉक और स्नैक मौजूद हैं। और साथ साथ इसके बराबर में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर लिजर्ट की वैरायटी भी है और यहाँ पर स्नैक हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने एक सेपरेटली इसको अलग से रखा हुआ है। इन पर बारी बारी नज़र डालेंगे, आप व्यूवर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आइए बाकी चीज़ों पर भी नज़र डालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे साथ वो लड़का मौजूद है जिसने अपनी छत के ऊपर मिनी ज़ू बनाने की कोशिश करी है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, और सबसे पहले तो आपका थैंक यू आने का। कोई बात नहीं, अपना तारुफ करा दें व्यूवर्स के साथ। मैं अब्दुल रहमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, और मैंने ये मतलब ज़ू स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने मुर्गियाँ वगैरह पाली हैं, और मेरी यही कोशिश है कि मैं नए से नए एनिमल्स लाऊं और एग्जॉटिक पेट्स जो कोई ना पाले। अच्छा, मैंने देखा है आपने अपनी रूफ टॉप के ऊपर यहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटी रखी हुई है, जैसे कि आपने फिश भी रखी हुए हैं जी, स्नैक भी रखे हुए हैं, आपने ग्राउंड बर्ड्स भी रखे हुए हैं, रैबिट भी रखे हुए हैं, एनिमल्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं मुख्तलिफ ये आइटम रखने की क्या वजह है, क्या सोच के आपने रखा कि ये चीज़ें अलग अलग तरीके की रखनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको पालना चाहिए? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सब बंदा नहीं पालता ये सब, मेरी यही कोशिश है जो कोई ना पाले वो मैं उसे लाऊं, और जिसे सब मतलब डिसलाइक करते हैं वही मैं उसे लाऊं। तो स्नैक्स वगैरह ज़्यादातर मार दिए जाते हैं, हैजॉक वगैरह उसी को मैं घर पे लाता हूं जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने कहां से स्टार्ट किया, कितने साल का तजर्बा, और आप कब से करते आ रहे हैं काम? मैं समझिए जब 11-12 साल का था उस वक्त से मुझे एनिमल का शौक़ है। अच्छा। तो उसी वक्त से मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि औरंगी में मिनी ज़ू लाया जाए। अच्छा चलें, तो आपने बता दिया सेटअप से मुतालिक। अच्छा ये बताएं पेरेंट्स ने क्या बोला जब आपने शौक स्टार्ट किया? पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि पैसे की बर्बादी है। अच्छा जी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मतलब हर बाकी शौक करके ही ले आया। अच्छा, पेरेंट्स अभी भी मना कर रहे हैं या पेरेंट्स? जी, पेरेंट्स अभी भी खिलाफ है, कोई अभी भी खिलाफ है। तो इसके अलावा स्टडी वगैरह करते हैं आप? जी जी, मैं स्टडी फर्स्ट ईयर में जी। चलें, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। अच्छा ये बताएं कि कहाँ से स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे व्यूअर्स को? सबसे पहले आप हंस देख लें। ठीक है, नज़र डालता हूँ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमारी जो नज़र जा रही है वो हंस के ऊपर जा रही है। यहाँ पे उन्होंने उनको एक बड़ा प्रॉपर केस दिया हुआ है, तो अभी देख सकते हैं आप लोग के खाने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं ये, और अब इनसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी जनाब, ये नॉर्मल हंस हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती हैं, और इन्हें जैसे मैंने वाटर का भी सेटअप देता हूँ गर्मी में, तो अभी मैंने हटाया हुआ है, स्विमिंग पूल इनके लिए प्रॉपर रख देता हूँ, और ये सर्दियों में एग देती हैं। अच्छा जी, अभी इनकी एगलिंग वगैरह आ रही है? अभी तो नहीं आए, पिछले साल में बार ब्रीड आई थी, 5 एग दिए थे, उनमें से प्रॉपर चिक्स वगैरह आए थे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये पेयर जो है ब्रीडर पेयर है? जी, ये ब्रीडर पेयर है। तो 5 चिक्स आपने लिए थे इनसे, इनक्यूबेटर से हैच करवाए थे? नहीं, इनको यही किए थे हैच, इन्होंने खुद ही हैच किए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इस पेयर की एज कितनी है? अभी इस पेयर की एज आलमोस्ट 4 ईयर है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने बर्ड्स को क्या देते हैं डाइट में, इनकी डाइट बताएं? मैं मिक्स फीड आती है, मिक्स फीड और बाजरा भी होते हैं, और फीड मतलब मौसम के हिसाब से मैं देता हूँ जी। यहाँ पे गिनी फॉल्स नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बताएं? ये कॉमन गिनी फॉल्स है, और ये भी मैंने सेल के लिए रखे हुए, तो इसका ट्रायो है मेरे पास, ये 5000 का ट्रायो, और ये भी मेरे पास ब्रीड कर चुके हैं, इनकी भी हैच आ चुकी है। अच्छा, तो ब्रीड कर चुके हैं, इनकी हैच आ चुकी है आपके पास? आपने इंक्यूबेटर से हासिल करी थी? नहीं, इन्हीं से। अच्छा, इन्हीं से हासिल करी थी। तो ये बताएं कि ट्रायो की डिमांड क्या बता रहे हैं? मैं 5000 जी। जी जनाब, यहाँ पर एक कैट नज़र आ रही है जी, ये डबल कोटेड पर्शियन कैट है, ये भी सेल के लिए है। अच्छा, ये फॉर सेल है? जी, ये फॉर सेल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं मैं? इसकी एज है 2 ईयर्स, सही, और ये मैंने सेल की इसकी डिमांड की है 5000 जी। सेल की डिमांड है 5000। अच्छा, ये बताइएगा मेल है फीमेल है? मेल है। अच्छा, ये बताएं फुली वैक्सीनेटेड है? अच्छा, ये बताएं रैबिट भी नज़र आ रहा है हमारे व्यूवर्स को? ये सेल के लिए नहीं है, ये असल में प्रेगनेंट है अभी। अच्छा जी, इसे अभी मैंने इधर रखा हुआ है, रात को बास्केट में डाल देता हूँ इसे, दिन भर धूप के लिए और खाने के लिए इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर सेल के लिए नहीं है अभी जी। तो ये बताएं कि कितने दिन के बाद ये ब्रीड दे देगी? ये ऑलमोस्ट 2 वीक लगेंगे अभी इसे।
इससे पहले भी मेरे पास ब्रीड कर चुकी है, वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है जी। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद इसकी ब्रीड आ जाएगी इंशाल्लाह। टॉर्टोइज के बारे में बताएं। ये डेजर्ट टॉर्टोइज है और ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के जी, 5 ईयर्स की एज है जी। ये भी मैंने छोटे से लाए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि मेल फीमेल है या फिर? मेल फीमेल है ये, ब्रीडर नहीं सॉरी, ये मतलब पेयर है कन्फर्म। अच्छा, कन्फर्म पेयर जी, कन्फर्म पेयर है। अच्छा, ये बताएं फॉर सेल है? नो, ये फॉर सेल नहीं है। अच्छा, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं मंगवा दूंगा, लेकिन ये फॉर सेल नहीं है। अच्छा, तो क्या आपका इरादा ये है कि आप इनसे ब्रीड लेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कहलाते हैं कौन से इनका नाम? ये डेजर्ट कहलाते हैं। डेजर्ट टॉर्टोइज जी, डेजर्ट टॉर्टोइज जी। बताएं हमारे यहाँ क्या आम टॉर्टोइज हैं? नो, आम टॉर्टोइज नहीं है। ये डेजर्ट के आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में तो टॉर्टोइज पाए नहीं जाते पहले। अच्छा, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि एक टर्टल हमें नजर आ रहा है, ये निकाल के दिखाएगा जरा। इधर टू है, दो हैं आपके पास, निकाल। स्लाइडर है और ब्राउन रूफ है जी। ये है टर्टल जी, ये रेडेड स्लाइडर है और ये ब्राउन रूफ नॉर्मल पाकिस्तानी। तो इसने मेरे पास एग लेइंग की थी, ब्रीड जी। अच्छा, एग लेइंग इसने की थी जी, तो ब्रीड नहीं आई? नहीं, इसकी ब्रीड नहीं आई, इसके एग खराब हो गए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि एज कितनी है इनकी? इसकी एज मुझे कंफर्म नहीं पता है, मेरे पास 2 साल से। अच्छा, दोनों मेरे पास 2 साल से। अच्छा, ये बताएं इनकी डाइट में क्या दे रहे हैं आप इनको? इनको मैं कलेजी देता हूँ और फिश फूड। कलेजी देते जी? तो कलेजी किस तरीके से देते हैं? कलेजी जब पानी में होते हैं ना, तो ऐसे ऊपर वो जो स्नैक को खिलाने के लिए होता है उससे मैं देता हूँ। अच्छा जी, तो ये बताएं क्या ये फॉर सेल है? नो, ये भी फॉर सेल नहीं है। वैसे अभी एक फॉर सेल पे आई हुई है, उसकी डिमांड है 4000 इसी साइज़ पे। कौन सी? इसी साइज़ में जी। अच्छा, फॉर सेल में आई है, 4000 डिमांड जी। और ये भी फॉर सेल है। अच्छा, इसकी बताएं। ये वाला नॉर्मल 1000 का है। 1000 का जी। जी जनाब, अब क्या दिखाना है व्यूवर्स को आप? अब मैं हेजॉग दिखा रहा हूँ। ये हेजॉग है। अच्छा, ये रेस्क्यू केस है हमारे पास। अच्छा जी, मैं एनिमल रेस्क्यू भी करता हूँ, स्नैक्स वगैरह कुछ भी हो जाए। तो ये बताएं कि अभी इसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं इसको खाने पीने में? इसको मैं कलेजी देता हूँ रोज़, फिर वही खा रहे होते और पानी रखे रहते। अच्छा, ये बताएं कि ये तो ज़्यादातर इसकी फेवरेट डाइट जो है वेजिटेरियन? नहीं, वेजिटेबल्स खाता है इस शौक से? वेजिटेबल्स मेरे पास खा रहा नहीं था, इसलिए मैंने कलेजी दिए। अच्छा, जी इसलिए आपने इसको कलेजी दिए, वेजिटेबल्स ही बिल्कुल भी नहीं खा रहा? नहीं, ये नहीं खाने मांग रहा। अच्छा, ये बताएं कितना टाइम हो गया आपने इसको रखे? ये मेरे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स है जी। तो इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको घुमाते हैं? नहीं, इसे कुछ नहीं करता हूँ, बस ये रहते हैं एक दफ़ा दिन में सन, यानी सनलाइट इसको एक दफ़ा दिखाते हैं। सनलाइट इसे ज़रूरी है, रेप्टाइल्स में सनलाइट ज़रूरी होती है सब रेप्टाइल्स को। अच्छा, ये बताएं फॉर सेल है ये? नहीं, ये फॉर सेल नहीं है। तो व्यूवर्स देख सकते हैं, हेड चौक है ये, डैम के रास्ते में अप चौकी की साइड पे बहुत सारे पाए जाते हैं, जो अक्सर गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं, ये वही हेड चौक हैं। और यहाँ पर इनके पास ये जो आए, रेस्क्यू केस आए, जिसकी ये देखभाल कर रहे हैं अभी जी। जी जनाब, तो ये बताएं आपने एक्वेरियम में कौन कौन सी फ़िशेज़ रखी हुई हैं? ये मेरा मॉन्स्टर टैंक है, इसमें ब्लू लाइन शार्क है और ऑस्कर फिश है, एल्बिनो ऑस्कर। और इसमें मेरा और इरादा है कि मैं और भी फिशेज लाऊँ जो मॉन्स्टर टैंक में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने टाइम से आप इनको पाल रहे हैं? ये अभी मेरे पास अभी न्यू आई है, ये सब 1 वीक हुआ है, इससे पहले भी मेरे पास थे लेकिन वो सेल हो गए। अब इंशाल्लाह मैं इधर पूरा मॉन्स्टर टैंक बनाऊंगा। अच्छा, ये बताएं जो फिशेस हैं ये फॉर सेल हैं? जी, ये फॉर सेल हैं। अच्छा, इनकी प्राइस मेंशन कर देगा? ये 1500 का पेयर है और ऑस्कर 1 पीस 800 की है। अच्छा, ये बताएं कि इनका साइज़ क्या है? ऑलमोस्ट 8 इंचज़ की होंगी। अच्छा, ब्लू लाइन शार्क जो है 8 इंचज़ की हैं। और ऑस्कर का साइज़ मुझे सही से कंफर्म नहीं है, मुझे यहाँ से लग रहा है कि 3 इंच का साइज़ है जी। छोटे टैंक में हमें यहाँ पे गोल्ड फिश नज़र आ रही हैं और छोटी फिशेस नज़र आ रही हैं जी। ये छोटी फिशेस मूली हैं और ये गोल्ड फिश हैं, ये भी फॉर सेल है। ठीक है, तो ये बताएं इनकी प्राइस क्या है? 400 का पेयर है गोल्ड फिश का और मूली 90 रुपीज़ का। 90 रुपीज़ का मूली का पेयर है और गोल्ड फिश का 400 का। जी 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 जनाब, अब क्या दिखाना है व्यूवर्स को? अब मैं स्नैक्स दिखा रहा हूँ, मेरे पास 2 किस्म के स्नैक हैं। अच्छा, 2 किस्म के आपके पास स्नैक हैं, चले नज़र डाल लेते हैं। जी जनाब, इस स्नैक के बारे में बताएं। ये स्मूथ स्किन सैंड बो है, पाकिस्तान में सब इसे 2 मुंह से आप बोलते हैं, सपेरे लोग से अगर आप पूछे तो। और ये बहुत काम स्नैक होते हैं और नॉन वेनमस होते हैं। अच्छा,
तो ये बताएं कि कितने टाइम से आपके पास ये? ये ऑलमोस्ट मेरे पास भी एक ईयर से जी। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इसकी डाइट वगैरह क्या है? इसको डाइट में वाइट माइस देते हैं हम वन अ वीक, एक हफ्ते में एक दफ़ा देते हैं वाइट माउस, क्योंकि इनका डाइजेशन स्लो होता है। ठीक है, तो अभी इसकी लेंथ का आपको अंदाज़ा होगा कुछ कि इसकी? ऑलमोस्ट 2 फीट तो होगी। 2 फीट इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसको इन्वायरमेंट क्या दिया हुआ आपने? इसको मैंने इंक्लोजर इसका बनाने का मैंने सोचा हुआ है, इसको प्रॉपर जैसे ही रहते हैं नेचर में वैसे ही दूंगा। जी जनाब, आप कौन सा स्नैक दिखा रहे हैं? ये डायडम स्नैक है, ये भी पाकिस्तान में डेजर्ट वगैरह पे पाए जाते हैं, और ये मैंने समझे ये मेरे पास कहीं से आए हैं गिफ्ट पे। अच्छा, ये आपको गिफ्ट आया जी। तो ये बताएं कि अभी इसकी एज कितनी है? इसके एज का भी मुझे सही से प्रॉपर नहीं पता है। प्रॉपर नहीं पता आपको? अच्छा, तो ये बताएं कितना टाइम हो गया आपको इसको पालते हुए? इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हुए मेरे पास। ठीक है, और इसको डाइट में क्या दे रहे हैं? इसको भी वाइट माइस देते हैं। ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा दिए जाते हैं जी जी, स्नैक्स के यही होते हैं। ठीक है, ये बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ का अंदाज़ा आपको? इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3 फीट होंगी। 3 फीट इसकी लेंथ है। अच्छा, ये बताएं इसका मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जाता है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा है? ये जितने जिस साइज़ के अभी हैं इसी साइज़ के होते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं। अच्छा, थोड़े से और बड़े होंगे जी, 1 फीट का साइज़ और निकल जाएगा जी? जी नहीं, 1 फीट से कम ही होगा, 1/2 फीट। अच्छा, तकरीबन अपने मैच्योर साइज़ में आ चुका है जी? जी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें सिर्फ यही कलर आता है या इसमें और भी कलर हैं? इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनका मुझे सही से मुझे भी खुद नहीं पता है इसमें। अच्छा, आपको खुद भी नहीं पता कि इसमें कितने कलर्स होते हैं, लेकिन अभी करंट जो आपके पास कलर है आप दिखा रहे हैं व्यूअर्स को जी। अच्छा, इसको क्या एनवायरनमेंट दिया हुआ आपने? इसके लिए भी मैं इंक्लोजर बना रहा हूँ जैसे ये नेचर में होते हैं। ठीक है, इसको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और जगह कितनी बड़ी देंगे इसको? इसको ऑलमोस्ट 3 फीट की जगह देंगे।